आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकट कीज के ऊपर। नॉर्मली हम इसको सिलेक्ट करके यहां से साइज इंक्रीज कर लेते हैं, अदरवाइज हम यहां से इस फॉन्ट ऑप्शन में जाते हैं जिसका ऑटोमेटिक बटन इन्होंने दिखाया है फॉन्ट का कंट्रोल डी। यहां पे भी हमने वही मेंशन किया हुआ है फॉन्ट सेटिंग, इट इज फॉन्ट कंट्रोल डी। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो हमारा ये फॉन्ट सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। राइटिंग स्टाइल्स हम यहां से चेंज कर सकते हैं, बोल्ड साइज। अब यहां पे मेन ऑप्शन आता है कि स्ट्राइक थ्रू कैसे दें, डबल स्ट्राइक, वो भी हम यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, यस करना है, नो करना है, एक्टिव करना है, डीएक्टिवेट करना है, स्मॉल कैप्स एंड ऑल कैप्स। लेकिन अगर यही सब ऑप्शन इस डायलॉग बॉक्स को ओपन किए बगैर हमें ओपन बाहर से ही ऑपरेट करने है तो कैसे होगा। अब मान लीजिए यहां पे अगर हम आ ही गए हैं तो यहां पे तो हमारा कर्सर है एक्टिवेट हो रहा है। अगर सपोज हमारा माउस काम नहीं करे और विदाउट माउस हमें यहां पे स्मॉल कैप्स या ऑल कैप्स से आना हो तो कैसे आएंगे। तो यहां पे नोटिस कीजिए इस एम के नीचे इन्होंने एक अंडरलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम कीबोर्ड से अल्ट एम प्रेस करते हैं, ये देखिए स्मॉल कैप्स में आ गया। वापस अगर आपने अल्ट एम प्रेस किया तो ऑप्शन ऑफ हो गया। सिमिलरली अगर आपने जो भी ऑप्शन यहां से चाहिए जिस अल्फाबेट के नीचे अंडरलाइन दी हुई है अगर आप वो अल्ट के साथ प्रेस करते हैं तो फंक्शन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, और वापस उसी को प्रेस किया तो वो फंक्शन डीएक्टिवेट हो गया। ये तो हो गया अंदर आने के बाद। अगर हमें यही सब फंक्शन बाहर से ऑपरेट करने हैं तो कैसे होंगे। अगर आपको स्मॉल कैप्स का फंक्शन चाहिए तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट के बटन का उपयोग कीजिए कीबोर्ड से, कंट्रोल शिफ्ट और ये के, ये देखिए आपके सामने स्मॉल कैप्स का फैसिलिटी ऑन हो गया, एक्टिव हो गया। अगर नहीं चाहिए अगेन आप वापस कंट्रोल शिफ्ट और के बटन प्रेस कीजिए, नॉर्मल हो गया। और अगर ऑल कैप्स की फैसिलिटी प्रोवाइडेड करानी है आपको इस पर्टिकुलर वर्ड पे या सेंटेंस पे तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ए प्रेस करना है, तो ये देखिए ऑल कैप्स फंक्शन एक्टिव हो गया। अगर नहीं तो अगेन कंट्रोल शिफ्ट ए, ये नॉर्मल हो गया। और अगर आपको ये पर्टिकुलर वर्ड्स दोनों वर्ड्स या कोई पर्टिकुलर एक सिंगल वर्ड हाइड कराना हो तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एच प्रेस करना है। ये हाइड तो हो गया, उसके बाद हमें वापस इसको ऑन कैसे कराना है तो उसके लिए पहले तो कीबोर्ड से आपको कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट करने के लिए, जो भी अल्फाबेट हिडन हो गए वो सब सिलेक्ट हो गए। अभी अगेन आपको कंट्रोल शिफ्ट और ये एच प्रेस करना है तो ये फंक्शन आपका वापस से एक्टिव हो गया, डीएक्टिवेट हो गया हिडन फंक्शन, और हमारे वर्डिंग्स हमारे सामने वापस आ गए। और अगर सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मली हम यू से तो अंडरलाइन देते हैं, और अगर हमें डबल अंडरलाइन चाहिए तो उसके लिए है कंट्रोल शिफ्ट और डी, तो ये हो गया डबल अंडरलाइन फंक्शन। वापस कंट्रोल शिफ्ट डी तो डबल अंडरलाइन फंक्शन ऑफ हो गया। जैसे यहां पे हमने एग्जाम्पल के तौर पर 25th लिखा हुआ है, 25th लिखा, आप नॉर्मली स्पेस देते हैं तो टीएच ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। हम इसको अंडू करते हैं, थोड़ा विजिबल परफेक्ट हो इसलिए साइज भी बड़ी कर देते हैं। अब हमें टीएच को ऊपर लेना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, तो एक तो यहां से भी ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन इन्होंने दिखाया है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जो हमने यहां पे भी मेंशन करके रखा हुआ है। तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ए प्लस का साइन प्रेस किया तो ये सुपर स्क्रिप्ट फंक्शन एक्टिव हो गया। सिमिलरली हमने H2O जो हमारे साइंस में वाटर की फॉर्मूला है तो 2 को सिलेक्ट किया, उसके लिए हमारे पास बटन है कंट्रोल एंड इक्वल। यहां पे देखिए यहां पे वही मेंशन किया हुआ है, कीबोर्ड से कंट्रोल और इक्वल बटन प्रेस किया साथ में तो हो गया ये सब स्क्रिप्ट का फंक्शन एक्टिवेट। सिमिलरली अगर हमें इस पर्टिकुलर वर्ड को या सेंटेंस को चेंज केस फंक्शन में एक्टिवेट कराना है, जैसे ये चेंज केस फंक्शन, यहां से सेंटेंस केस चाहिए, लोअर केस चाहिए, अपर केस चाहिए, तो उसके लिए आपको कंबाइंड बटन है शिफ्ट F3, कीबोर्ड से शिफ्ट F3 यानी फंक्शन 3 प्रेस कीजिए। ये देखिए सब ऑल कैप्स में हो गए, ये स्मॉल में हो गए, ये मिक्स अल्फाबेट्स हो गए, जैसे आप चाहें वैसे आप प्रेस करते जाइए शिफ्ट F3, तो ये चेंज केस के फंक्शन आपको प्रोवाइड करके देता है। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका टॉपिक शॉर्टकट कीज का। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।